आर्कटिक वॉइड 2022 की लेटेस्ट साईफाई मूवी जिसकी यूनिक मिस्ट्री सब कुछ बदल कर रख देती है। शुरुआत दो दोस्तों रे और एलन से होती है जो कि अभी अभी नॉर्वे के आर्कटिक में फ्लाइट से आए हैं। वे यहां एक नेचुरल एडवेंचर शो की शूटिंग के लिए आए हैं जिसे कि रे होस्ट करेगा और एलन उसका डायरेक्टर है। अब कुछ देर की वेटिंग के बाद एक वैन उन्हें पिक करती है और कुछ घंटों के सफर के बाद अब वे एक शिपयार्ड पर पहुंच चुके थे जहां उन्हें एक टूर बोट पर जाना था। वहां पहले से उनका तीसरा साथी वेट कर रहा था जिसे उन्होंने कुछ ही दिन पहले इस शो के लिए कैमरामैन बनने के लिए हायर किया है। हालांकि शोन आर्मी से है और इससे पहले उसने कोई कैमरामैन का काम भी नहीं किया है, मगर इस वीरान जगह पर एक वही था जिसे कि रे और एलन अरेंज कर पाए थे। अब शोन रे और एलन के अलावा बाकी के टूरिस्ट का भी उनका टूर गाइड जिम वेलकम करता है। यहां से सफर शुरू होता है जहां एलन और रे अपने शो के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसके लिए वे इतनी दूर आए थे। तभी उनकी नजर एक लंच बॉक्स पर जाती है जो कि शोन अपने साथ लाया था और जब रे उसे खोलता है तो दोनों पाते हैं कि इसके अंदर किसी तरह का साउंड डिवाइस है। रे उसे ऑन कर देता है और सुनने लगता है जहां इसके अंदर काफी अजीब तरह के साउंड आ रहे थे जो कि रे को काफी ही अजीब लगता है। जहां एलन लगातार कहे जा रहा था कि उन्हें बिना इजाजत के शोन का सामान नहीं छूना चाहिए, मगर रे इसे एलन को भी सुना देता है। अब ये साउंड डिवाइस आगे जाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से दोनों शोन को आते हुए देख लेते हैं तो दोनों जल्दी से उसके बॉक्स को बंद कर देते हैं। यहां दोनों दोस्तों रे और एलन दोनों को ही उनका यह नया कैमरामैन शोन काफी ही अजीब लगता है। यहां से अब एलन शावर रूम में था जहां से वो लगातार अपनी वाइफ को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, मगर यहां किसी के भी सेलफोन में रेंज नहीं थी और यहां ऐसा लग रहा था कि उसका उसकी वाइफ से कोई झगड़ा हुआ है और वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, मगर सारे ही मैसेजेस फेल हो रहे थे। अब यहां से अगली सुबह काफी अच्छी निकली थी तो तीनों शूटिंग स्टार्ट करते हैं जहां टूर गाइड जिम भी उनका साथ देता है और इसके बाद उन्हें काफी अच्छी वीडियो बाइट मिली थी। मगर तभी रे का ध्यान एक समुद्री सीगल पर जाता है जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। ये काफी ही क्रीपी था। सोरे जल्दी से इसे बुलाना चाहता था और वो अंदर एलन के पास जाता है जहां एलन अपनी वाइफ से झगड़े को लेकर परेशान था और वो बताता है कि हमेशा शूटिंग को लेकर वो बाहर ही रहता है और इसी वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। मगर तभी दोनों को बाहर से लोगों के घबराने और चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि एक सी मैमल बड़ी बेरहमी से अपने ही बच्चे को मार रहा है। यहाँ ये देख सब हैरान थे, पहले उस सीगल की आंखों से खून आना और अब ये सब। यहाँ कुछ तो अजीब जरूर है। यहाँ सबको डरा हुआ देख माहौल को लाइट करने के लिए टूर गाइड जिम सबको व्हेल मीट खिलाता है जो कि उसने अभी अभी पकड़ी थी। यहाँ रे इसे खाने से मना कर देता है मगर एलन थोड़ी सी खा लेता है और खाते ही उसे उल्टी आने लगती है और रे यहाँ एलन से मिलने बोट के पीछे आ जाता है जबकि शोन अभी भी बोट के पीछे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी यहाँ एक अजीब घटना घटती है। बोट से सारे ही लोग और ऊपर उड़ रहे सारे पंछी एक ही झटके में गायब हो जाते हैं। शोन ये देख हैरान था कि एक ही झटके के अंदर सब कहाँ चले गए। रे और एलन वापस से बाहर आते हैं और दोनों के भी ये देख होश उड़ जाते हैं कि बाकी के सब लोग कहाँ गए। वहाँ अब सिर्फ उनका सामान पड़ा हुआ था। दोनों हर जगह जाकर उन्हें ढूंढते भी हैं मगर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। रे और एलन शोन से भी पूछते हैं मगर वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता कि अचानक से ये सब क्या हो गया। यहाँ शोन तभी नीचे आकर अपने फोन से हेल्प के लिए भी कोशिश करता है मगर यहाँ किसी के भी फोन में रेंज नहीं थी। दूसरी तरफ एलन पाता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। वहीं रे भी शिप के मेन कैबिन में जाकर उसके रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर वो भी अब बंद पड़ा था। तभी वो बाइनोकुलर से बाहर देखने पर पाता है कि कुछ ही दूरी पर एक टाउन है जिसमें काफी सारे घर भी हैं और रे यही सब शोन और एलन को भी दिखाता है। यहां से तीनों डिसाइड करते हैं कि तीनों एक बोट से वहां तक हेल्प के लिए जाएंगे और वे सामान पैक करने लगते हैं जहां एलन को एक टूरिस्ट का फोन मिलता है और तभी रे पाता है कि एलन के गले पर काफी गहरा घाव बना हुआ है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है। यहाँ उसकी मेडिकल ड्रेसिंग करने के बाद तीनों उसी टाउन की ओर जाने लगते हैं और अब यहाँ से कई घंटों के सफर के बाद वे फाइनली उस टाउन तक पहुँच चुके थे और शोन वहाँ कहता है कि उन्हें साथ ही रहना चाहिए क्योंकि उसे कुछ तो अजीब लग रहा है। यहाँ से तीनों टाउन में जाते हैं जहाँ टाउन में भी अब हर जगह सन्नाटा पसरा पड़ा था और वहाँ भी कोई नहीं था। वे एक खाली पड़ी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ उन्हें एक रूम से कोई आवाज आती है और तीनों उसे देखने के लिए जाते हैं और वे पाते हैं कि वहाँ एक घायल डियर पड़ा है। वो भी हर जगह से घायल है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। यहाँ तीनों को समझ आ चुका था कि जरूर कुछ तो अजीब इस एरिया में हुआ है जहाँ पहले उनके शिप से सब लोग गायब हो गए और अब ये पुरानी टाउन भी खाली पड़ी है जबकि उन्हें काफी सारे अलग अलग जानवर घायल दिखाई दिए थे। यहाँ से वे और भी आगे जाते हैं और बिल्डिंग्स में जाकर देखने लगते हैं। वहीं एलन का भी अब चलना तक मुश्किल हो गया था और वो अब पाता है
कि उसके पैर में भी अब वैसा ही गहरा घाव आ गया है जैसे कि उसकी गर्दन पर था। यहाँ शोन कहता है कि वे रुक नहीं सकते और उन्हें जल्दी से मदद तो ढूंढनी ही होगी, जबकि एलन वहीं रुक जाता है क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। यहाँ दोनों के जाने के बाद एलन बोट की ओर जाने लगता है क्योंकि कुछ मेडिसिन बोट में ही रह गई थी, और तभी एक जंगली बियर उसके सामने आ जाता है मगर वो उस पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो खुद भी काफी जख्मी था। यहाँ तक भी ये एक बड़ी मिस्ट्री बन चुकी थी कि सबके साथ क्या हो रहा है और सारे ही जानवर घायल क्यों हैं। दूसरी ओर रे और शोन को एक बिल्डिंग के अंदर कुछ कमरों की लाइट जली हुई दिखाई देती हैं और उन्हें लगता है कि जरूर वहाँ कोई होगा, सो जल्दी से दोनों उसके अंदर भागते हैं और अलग अलग होकर सबको ढूंढने लगते हैं, मगर यहाँ भी उन्हें कोई नहीं मिलता। और रे को एक गर्म सूप का बाउल मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ से भी लोग शिप की ही तरह अचानक से गायब हुए हैं, और तभी उसे बाहर से फ्लेयर गन शॉट दिखाई देता है जिसे कि एलन ने हेल्प के लिए चलाया था, और रे जल्दी से वहाँ पहुँचता है और एलन को वहाँ से अंदर ले जाता है। दूसरी ओर शोन अपने बॉक्स को खोलता है और उसमें से उसी साउंड डिवाइस से कुछ सुनने लगता है। अभी तक भी ये साफ नहीं था कि ये डिवाइस क्या है और ऐसे मुश्किल टाइम में भी शोन उसे क्यों सुन रहा है। वही एलन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और वो उसी कैमरा को देखने लगता है जो कि उसे बोट पर किसी टूरिस्ट का मिला था। वो इसे इस उम्मीद से देखने लगता है कि उसे उनके गायब होने के बारे में कोई इम्पोर्टेंट बात पता चल जाए, और इस बार उसे इसमें कुछ मिलता भी है जिसे देख वो हैरान था, और उसने जो देखा था वो रे को बताने की कोशिश करता है मगर तभी शोन आ जाता है। रे शोन से कहता है कि उन्हें जल्दी से टाउन से निकलना होगा और वापिस से उसी शिप में जाना होगा, मगर शोन कहता है कि ऐसा करना गलत है क्योंकि वहां तक जाने में कई घंटे लगने वाले हैं और उस बोट में जिससे भी आए थे उसमें ऑयल भी कम बचा हुआ है। यहाँ से रे ऑयल को लेने बाहर चला जाता है जहाँ शोन अपने बॉक्स को फिर से निकालता है और उसके हेडफोन्स बीमार एलन के कानों पर लगा देता है। यहाँ साउंड शुरू होता है और एलन उसे सुनते सुनते सो जाता है। अब कुछ देर बाद रे आ चुका था जहाँ एलन उसे कैमरा रिकॉर्डिंग फिर से देखने को कहता है क्योंकि उसमें उसे कुछ पता चला था। रे वीडियो देखता है और वो पाता है कि जब सब लोग अचानक से गायब हुए थे तब शोन उन सबको लगातार रिकॉर्ड कर रहा था, और यहाँ से रे को समझ आ चुका था कि शोन उनसे बहुत कुछ छिपा रहा है, और वो गुस्से में बाहर जाता है और किसी तरह से शोन को काबू कर उससे पूछता है कि वो उनसे क्या छुपा रहा है, और शोन उन्हें यहाँ से सब सच बताने लगता है। वो बताता है कि उसे इस ट्रिप पर आर्मी के ही कुछ साइंटिस्ट ने भेजा था ताकि वो उनके बनाए नए सुपरसोनिक वेपन के असर को रिकॉर्ड कर सके। वो बताता है कि जब वे वेपन चलाया गया तब सभी लोगों की बॉडी अचानक से वेपराइज हो गई, जबकि जानवरों पर इसका अलग इफेक्ट हुआ। शोन यह एक्सप्लेन करता है कि जो डिवाइस वो बॉक्स के अंदर अपने साथ लाया है वो उसे उन्हीं साइंटिस्ट ने दिया था और कहा था कि ये उस सुपरसोनिक डिवाइस के असर को उस पर नहीं होने देगा, और इसी की वजह से रे और एलिन बाकी के लोगों की तरह वेस्पराइज नहीं हुए क्योंकि उन्होंने शुरू में ही चोरी से उस डिवाइस को चालू कर उसका साउंड सुन लिया था। मगर एलन बीमार इसलिए हो गया क्योंकि उसने बाकी के लोगों की तरह वो फिश खा ली थी जो कि रेडिएशन से भरी हुई थी, और यहाँ से ये भी क्लियर हो गया था कि क्यों सारे जानवर बीमार थे और आपस में ही सबको मार रहे थे। शोन ये बताता है कि ये डिवाइस एक सेफ गार्ड है मगर किसी बीमार हो चुके इंसान को ये ठीक नहीं कर सकता, और इसीलिए ये अब एलन को ठीक नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उन्होंने शोन से कहा था कि वे उसे शिप से पिक करने आएंगे, मगर जो सैटेलाइट फोन उन्होंने उसे दिया था वो अभी काम नहीं कर रहा है। रे ये सब सुन सकते में था कि ऐसा भी कोई वेपन गवर्नमेंट चुपके से बनाती है और उसे आम लोगों पर इस्तेमाल करके देखती है। यहाँ से रे एलन के पास आता है और उसे सब बताता है। अब तक एलन की काफी बुरी हालत हो चुकी थी सो वो अपनी फैमिली के लिए एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है और इसमें उस सुपरसोनिक वेपन के बारे में सब बताता है जो कि उन पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ एलन अपना फोन रे को देते हुए कहता है कि इसे वो उसके मरने के बाद सेफली उसकी फैमिली के पास पहुंचा दे। रे यहाँ से बाहर जाता है और वो समझ चुका था कि शायद से वे लोग उसे भी वहां से नहीं निकलने देंगे, तो वो एलन के फोन को और दूसरे सबूतों को एक बैग में डालता है और समुद्र के पानी में फेंक देता है ताकि किसी को ये सबूत मिल जाए। यहाँ शोन भागता हुआ आता है और बताता है कि उसे कॉल आई है कि आर्मी वाले उसे वहां लेने 30 मिनट में आ रहे हैं, और रे भी ये सब सुन जल्दी से घायल एलन के पास जाता है और उसे कहता है
कि अब शायद से वे लोग बच जाएंगे और उसे भी अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ से दोनों एलन को किसी तरह से घसीटते हुए एक बिल्डिंग तक ले जाते हैं जहाँ आर्मी वाले शॉन को लेने आने वाले थे। और अब यहाँ शॉन दोनों को बिल्डिंग में ही छोड़ देता है और कहता है कि वो पहले जाएगा और उन्हें रे और एलन के बारे में बताएगा, फिर शायद वे एलन को बचा पाए। मगर शॉन के जाते ही एलन रे के हाथों में ही दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर शॉन आर्मी से मिलने जाता है मगर तभी उसे भी गोली से मार दिया जाता है। साफ था कि वे अपने वेपन की टेस्टिंग के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। रे को भी गोली की आवाज आती है और वो जल्दी से अपनी राइफल उठाने लगता है और तभी उसके कमरे का भी फोन बज उठता है। यानी कि उनको रे के बारे में भी सब पता था कि वो अभी तक जिंदा है और वे उसे भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है जहाँ रे के छोड़े सारे सबूत अभी भी समुद्र में बह रहे थे।